नाम है, अगर वो सुपर रेट मारते हैं तो 100 रुपए जमा है भाई, हमारे पास जमा है। मेरा शुक्ला वैशाली गोपालपुर इसमें रेड करता हुआ पहली रेड के लिए बिल्कुल शुरुआती क्षण है मैच में और पहली रेड पर यहां डैश किया गया है। तो पहला पॉइंट आता हुआ शीतलागंज के लिए, एक मजबूत टीम उतारी है शीतलागंज ने यहाँ पर। इसके पहले अभी जो सिटी में टूर्नामेंट हुआ था वहां की विजेता टीम है ये, क्या यहाँ पर भी ये फाइनल जीत कर जाएगी या उसके बच्चे कदमों को रोका जाएगा ये देखने की बात होगी। फिलहाल इस दूसरे राउंड का ये मुकाबला जबरदस्त होता हुआ यहाँ पर, पहले मिनट पर गोपाल ने अपने तेवर दिखा दिए हैं कि हम भी किसी से कम नहीं आवश्यक, एक उभरता खिलाड़ी इस जिले का निश्चित तौर पर। अभी इस समय रेड करता हुआ 6 खिलाड़ियों के साथ पीछे जाते हुए टीम, लेकिन संभवतः शरीर और अटैक करने के लिए वापस बहुत अच्छा प्रयास नाकामयाब। इस समय रेड करते हुए अर्षद, लेकिन रेड यहां से एमपी जाती हुई बराबरी पर मुकाबला इस समय चलता हुआ शीतलागंज बनाम गोपालपुर, यह दूसरे राउंड का मुकाबला है। शीतलागंज फुल बोनस ऑन इस समय राइट कॉर्नर से अटैक करता हुआ रेडर एक बार पूरा पलटवार के लिए यहां से, लेकिन अपने आप को डिफेंड करती हुई टीम गोपालपुर। रेडर कोशिश लगातार करता हुआ अटैक पर अटैक और यहां पर डांस करने का प्रयास, लेकिन कितना पॉइंट दिया गया है रेफरी महोदय? 1 पॉइंट का इशारा आता हुआ कैच आउट सेट। इस समय रेड करने के लिए गए हैं गोपालपुर के रेडर है, वो कोशिश करते हुए यहां पर एक पेशेवर टीम के सामने गोपाल का, और यहां पर बिल्कुल टैकल किया गया है सेट। तो एक और पॉइंट आता हुआ शीतलागंज के नाम। तो अब यहां से 5 खिलाड़ी बचे हैं, तो बोनस ऑन है नहीं थी, जाकर टच पॉइंट लेना होगा रेडर को। इस समय कोशिश करता हुआ रेडर, लेकिन अपने आप को डिफेंड करती हुई गोपालपुर की टीम। एक तरफ पूरी तरह से पेशेवर टीम, तो दूसरी तरफ युवा टीम। अर्षद लंबे करके है, नीचे उनकी टेक्निक अच्छी है, लेकिन अभी पावर की कमी है क्योंकि उम्र उतना नहीं है, लेकिन भविष्य का सितारा है ये, रोजा निश्चित तौर पर कह सकते हैं। इस समय रेड करता हुआ सभी खिलाड़ी मौजूद है यहाँ पर, रनिंग हेल्थ का प्रयास लेकिन नाकामयाब। हालांकि इस तरह की कबड्डी खेलने बैट ठीक लगाई गई, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। रेड यहाँ से एमपी प्रशूट करने की कोशिश की गई, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। इस समय रेडर शिट लगा, एक मजबूत टीम जैसा कि हमने बताया कि इसके पहले अभी ये भी टीम समीगंज मंसूरगंज में जो टूर्नामेंट हुआ था वहां पर विजेता हुई थी, और उसके बाद सिटी में भी विजेता हुई थी। क्या यहाँ ये टिकड़ी मारेगी, यानी हैट्रिक मारेगी, ये देखने की बात होगी। और यहाँ पर वो पॉइंट का इशारा आता हुआ एक कामयाब रेड गोपालपुर की तरफ से। शुभ लगन दो और डाई अभी नहीं है भैया, वो अगले राउंड में चालू होगा। सिर्फ प्रो कबड्डी का एक नियम नहीं लागू यहाँ पर, दो और डाई का बाकी सभी नियम लागू है। एक अटेम्प्ट दिया गया लेकिन स्वीकार नहीं किया गया बोनस यहाँ पर रेफरी के द्वारा। अभी तक रेड पूरी तरह से उनकी खाली गई है और यहाँ टैकल भी हुए हैं। 1 पॉइंट और आता हुआ शीतलागंज के लिए इस समय। तो अब एक तरफा बढ़त बनाती हुई शीतलागंज की टीम 4 और 3, हालांकि अभी बढ़त तो बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 1 पॉइंट का फासला है दोनों टीमों के बीच में। इस समय मिंकू 13 नंबर की जर्सी में रेड करते हुए कोशिश यहां पर मिंकू की, कोई तक पॉइंट लिया जाए और यहां रनिंग हैंड टच किया गया, 1 पॉइंट और हाथा हुआ। हाफ टाइम का अंतिम मिनट यह चलता हुआ इस समय दूसरे राउंड का यह मुकाबला यहां से।
वंडरफुल भुवनेश्वर। इस मैडम ने एक बार दो पॉइंट अधिक किया है एक और के लिए, लेकिन डिफेंड करते हुए यहाँ पर टैकल किया गया है गैस करते हुए रेडर को। एक और पॉइंट आता हुआ शीत लगन के नाम, तो उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन करती हुई समय शीत लगन के लिए कह सकते हैं आप। फाइनल के दावेदारों में शामिल है इस समय शीत लगन कह सकते हैं जो तीन चार टीमें मजबूत है उनमें से एक थी। कोशिश यहाँ पर रनिंग हैंड टच की लेकिन नाकामयाब। एक और कोशिश लेकिन यहाँ पर शिकार किया गया है मिंटू का। एक और पॉइंट आता हुआ गोपालपुर के लिए। तो हाफ टाइम कंप्लीट हुआ, यहाँ से मैं आपको पॉइंट 6-4 यानी 6 पॉइंट है शीतलागंज का, 4 पॉइंट है गोपालपुर का, मात्र 2 पॉइंट से पीछे। क्या इस 2 पॉइंट को पूरा करके आगे बढ़ेगी गोपालगंज गोपालपुर की टीम या शीतलागंज की टीम? इसी तरह अपने पॉइंट को बढ़ाते हुए इसमें तो जीतेगी, ये इन 6 मिनटों में पूरा दिख जाएगा आप सबको। इस समय एक नंबर की जर्सी में बोनस ऑन है नहीं, नीचे आकर टच पॉइंट लेना होगा। यहाँ गैस किया गया है, निश्चित तौर पर देखना पड़ेगा ईच पॉइंट यहाँ पर दिया गया, क्योंकि गैस करते वक्त एक खिलाड़ी बाहर चला गया था तो पॉइंट का तो कोई फर्क नहीं पड़ा दोनों टीमों को। इस समय से बहुत कुछ जिम्मेदारी उनके कंधों पर, उनकी टीम पिछड़ रही है। क्या यहां से वापसी करा पाएंगे सैर रेड करते हुए? रनिंग हैंड टच का प्रयास लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। एक और कोशिश सैर की होती हुई यहां लगातार, लेकिन रेड एम्प्टी जाती हुई। हालांकि अच्छा खेलकर प्रदर्शन किया है गोपालपुर ने, निश्चित तौर पर उनके सामने एक बड़ी टीम है टूर्नामेंट की, लेकिन जबरदस्त प्रदर्शन में कहूंगा गोपालपुर का। ये 5 खिलाड़ियों के साथ डिफेंड करती हुई टीम गोपालपुर इस समय कोशिश करते हुए, लेकिन रेड संभवता यहां से एक आखिरी प्रयास किया और यहां पर सेल्फ आउट होता हुआ रेड। 1 पॉइंट और 7 और 6 मात्र 1 पॉइंट की बढ़ाते इस समय शीत लगन के नाम। एक रोमांचक संघर्ष चलता हुआ इस मैच के लिए दोनों टीमों के बीच में, और यहाँ पर फिसले से और कैच किया गया उनको, तो 1 पॉइंट और आता हुआ 8 और 6। 2 पॉइंट का फासला अभी भी बरकरार दोनों टीमों के बीच में। इस समय 7 नंबर की जर्सी में रेडर शीतलागन टोकर का प्रयास भी की जा रही है वहां पर, हालांकि देखना पड़ेगा ये हुआ है कि नहीं। ये तो मैसे यहाँ पर 1 तक पॉइंट दिया गया है, तो अब बढ़त 3 पॉइंट की हो गई है दोनों टीमों के बीच में। अर्जुन भाई पहलवान टाइप के तो है लेकिन पहलवानी काम नहीं आई, तो आप बलत बनाती हुई यहाँ से शीत लगन की टीम। वक्त भी ज्यादा नहीं बचा है, मरवान और पटक ले भाई, ये पटक मैच स्पोर्टिंग दोनों टीमें बिल्कुल रेडी रहेंगे, इसके बाद उनका मुकाबला होना है और मैच भी अंतिम चुनाव में जा चुका है। जबरदस्त तरीके से सुपर टैकल किया गया, 2 पॉइंट का इशारा आता हुआ। 8 और 10 2 पॉइंट का फासला, 4 शब्द कोई पॉइंट लेकर आएंगे ये देखने की बात होगी यहाँ से रेड करते हुए। अभी तक सभी रेड उनकी एमपी गई है, फैक्ट्री का प्रयास किया गया उनके द्वारा लेकिन नाकामयाब। और कोशिश अर्षद के द्वारा इस समय राइट कॉर्नर से अटैक करते हुए बैक की कूना लगाई गई लेकिन डिफेंड किया यहाँ पर रेड एंट्री जाती हुई। फिर पटक ले, पटक ले। इधर रेड आंसर कराएगा।
खिलाड़ी है तो सुपर टाइगर का तो कोई सलाम गोपालपुर निश्चित तौर पर ये युवा बच्चे दिखा रहे हैं कि कबड्डी होती क्या है। कोशिश करते हुए समय लगातार 9-10 पॉइंट है यहाँ बैक किक लगाने का प्रयास लेकिन नाकामयाब। दो मिनट का वक्त और बचा है, एक पॉइंट से आगे टाइम आउट किया गया है, एक उम्मीद बना रहे हैं जो भी लोग अब थोड़ा सा यहाँ बैठे हुए हैं थोड़ा सा उठ जाएंगे क्योंकि पूरी टीम उनकी आ रही है साथ में समझौता आ रहे हैं तो थोड़ा सा मन की खाली कर देंगे। इसमें मैं इसी तरह हम आपको ये एक रोमांचक संघर्ष एक हाई वोल्टेज मुकाबला होता हुआ गोपालपुर में आवश्यक लगन का लेकिन जय संभवता मिल जाएगी और यहाँ से टाइम पास की रणनीति अपनाते हुए संभवता ये रणनीति बनी थी शीतला रन क्योंकि टाइम पास किया जाए वक्त साटा नहीं बचा है। एक पॉइंट से आगे शीतला रन की टीम अभी भी शायद के अंदर करने के लिए प्रेशर शायद पर कोशिश करते हुए लेकिन पूरी तरह से नहीं करी आसान है नहीं क्या पॉइंट लोगों ने लेना होगा लेकिन रेडम भी जाती हुई है तो एक मिनट और बचा है यहाँ से अब एक पॉइंट से आगे सीख लगन की टीम लेकिन जबरदस्त मुकाबला खेला है यहाँ गोपालपुर बिल्कुल कह सकते हैं आप ये युवा बच्चे प्रतापगढ़ के फ्यूचर इस समय मेरा सीट लगन संभवता पूरा वापस जाएगा हर सेकंड बचाना है आपको रेड नहीं बताना है और लेकिन अपने आप को पूरी तरह से डिफेंड करती हुई समय सीट लगन की थी और निश्चित तौर पर दर्ज किया गया है तो एक पॉइंट के बाद तो मात्र 25 सेकंड बचा है अब इसमें 25 सेकंड बचा है ये देखना होगा भैया आप सेकंड बताना पड़ेगा आपको इस तरह मैच फंसेगा तो आप ये मत बताइए आज क्लियर है या कुछ है एक सेकंड भी बाकी रहेगा तब भी एक रेड होगी हालांकि 25 सेकंड इस रेड के पहले बचा था लेकिन अब यहाँ से और मैच खत्म होता हुआ कह सकते हैं यहाँ पर मैच खत्म कर दीजिए बिल्कुल ऑल आउट हो गया तो इस तरह ये मैच जीता है सूचना के और अपने कदम आगे बढ़ाया लेकिन मैं एक बार जरूर कहना चाहूंगा गोपालपुर वालों के लिए कि शीतला गंज ने मैच तो जरूर जीता लेकिन गोपालपुर ने फिर जीता है हर दर्शकों का